इसराइल पर ईरान के हमले के बाद तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेबनान में हुए जोरदार धमाके में इसराइल के 4 सैनिकों के घायल होने की सूचना है। इजरायली सेना इसकी पुष्टि कर चुकी है। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी है कि ईरानी मिसाइल हमले का जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि ईरानी हमले में नेवातिम एयरपोर्ट को मामूली क्षति हुई है। ईरान के अचानक ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश इसराइल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक मुस्लिम देश जॉर्डन भी इसराइल की मदद में उतर आया। सूत्रों के मुताबिक जॉर्डन ने ईरान के दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। इसराइल ईरान पर हमले के लिए जॉर्डन से उसके एयर स्पेस को यूज करने की मांग कर रहा है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने गाजा में इसराइल के युद्ध के लिए नेतन्याहू सरकार की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन जैसे ही ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जॉर्डन उन्हें रोकने में इसराइल के साथ खड़ा हो गया। ईरान की तरफ से अमेरिका पर किए गए हमलों के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इसराइल ने भी ईरान को जवाब देने की ठान ली है, जिससे दुनिया के तमाम मुल्कों की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में संकट देखते हुए जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के समकक्षों से बातचीत की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी सऊदी अरब और इसराइल के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की। मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच विदेशी ईरानी प्रवासी इसराइल पर हमले के लिए अपने देश के इस्लामी शासक की निंदा करते नजर आ रहे हैं। संसद के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने इसराइल को 1.17 लाख करोड़ की मदद का प्रस्ताव रखा। स्पीकर माइक जॉनसन ने बाइडन से फोन पर बातचीत के बाद मीडिया को बताया कि अमेरिका इसराइल के साथ है और जल्द से जल्द राहत पैकेज रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से फोन पर बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय अधिकारियों को 13 क्रू सदस्यों से मिलने की इजाजत दे दी है। इस बीच जयशंकर ने कहा कि इसराइल और ईरान की शांति और कूटनीति के जरिए मसले का हल निकलना चाहिए।